ये मेरा बेटा चिराग है, चिराग ये वृंदा है। अच्छा तुम्हारी माँ है, एक बार नमस्ते तो कर लिया होता। चल गुड नाइट। पापा मैंने वृंदा को एक आदमी के साथ उससे हग कर बैठी। वो उसका कोई रिश्तेदार होगा। लेकिन पापा वो नॉर्मल हग नहीं था। क्या वो मेरा पति था। जब से डिवोर्स हुआ है वो मेरे पीछे पड़ा है। वो कन्विंस कर रहा था, वो रो रहा था। लेकिन पापा वो रो नहीं रहा था। वो रो ये दोनों हग कर रहे थे। वो रो रहा था, वो माफी मांग रहा था, वो मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने जो किया है वो चीज का उसको पछतावा हो रहा था कि उसे मेरे साथ रहना है। पापा ये झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही, वो माफी मांग रहा था। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो चिराग? पापा इसकी बातों में मत आना, ये आपको फंसा रही है। मैं नहीं फंसा रही, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? पापा ये झूठ बोल रही है। चुप। तुम्हें मुझसे कुछ तकलीफ है मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। पापा क्या बोल रही है? वृंदा मैं निकलता हूँ जिधर लो। ठीक है चिराग चलता है। बाय डैड। मैंने यहाँ पे बुक रखी थी। वो मैंने साफ सफाई करते ना तुम्हारे रूम में रख दी थी। प्लीज आप मेरी किसी भी चीज को हाथ में लगाए दीजिए। शायद आपको डैडी ने भी कहा होगा। और हाँ, आप मेरी माँ बनने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करें, बिकॉज मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो? ये दिखाना है कि बच्चे क्या ये सब? तुम्हारे डैड ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दिया, पर बाकी कैसे करनी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं पापा को सब दिखा दूंगा। अच्छा क्या दिखाओगे? मेरे पास तुम्हारे सारे सबूत है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो। तुम ऐसे नहीं कर सकते ना, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो ना। चिराग तुम्हारे पापा को कुछ मत बताओ। चिराग सब कुछ बता दूंगा पापा को। तुम ऐसे नहीं कर सकते। फोन दो। ये डिलीट हो गया। अब बताओ पापा को क्या क्या तुमने। अरे बताओ तुम वीडियो। अरे चिराग तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं मार दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें शाम से मार दूंगा। चिराग तुम ऐसे नहीं कर सकते। चिराग शाम से मार दूंगा। देखा, देखा आपने कैसे जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, कैसे मुझे मार रहा था। पापा ऐसा कुछ भी नहीं। अरे बट
बदतमीज तो अपनी माँ के साथ बदतमीज कर रहा हूँ। पापा ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो मैंने लिखा क्या था वो क्या था? फिर निकल जाए पापा, निकल जाए। अरे निकल और मैं आ गया, मैं उससे बात करता हूँ। ये लो तुम्हारे लिए दूध लाई। क्या हुआ, क्या सोच रहे? चिराग ने तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे वो बच्चा है, भूल जाइए आप। ये लो तुम्हारे लिए दूध लाई। अरे नहीं नहीं, मेरा मन है तुम पी। मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। कोई नहीं, आज तुम पी लो, ठीक है? तुम्हारे लिए, वो मेरे लिए नहीं है। तुम पी लो ना, क्यों इतना फोर्स कर रही हो? ऐसा लगा तुम्हें इसे जहर मिला रखा है। हर्ष, तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? और मैं तुम्हारे दूध में जहर कैसे मिला सकती हूँ? जहर नहीं है। नहीं? हर्ष, पियो। कौन है? सच सच बता, कौन हो तुम और क्या करने हमारे लाइफ में? मैं तुम्हें मारने आई हूं कि तुम्हारे वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया था। भाई कौन है? ब्रिजेश शर्मा। हाँ, मैं उसी की बहन। मैं तुम्हारे कंपनी में काम करता और तुमने उसे धक्के मार के तुम्हारे कंपनी से निकाल दिया था। उसकी इन्वेस्टर मनी तुमने लौटाने से मना कर दिया, वो कर्जे में डूब गया और तुम्हारे वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। अरे बेवकूफ औरत, मन करता तुम्हारा गला दबा दूं। वो मेरी वजह से नहीं मारा था, अपनी बेवकूफियों की वजह से मारा था। आई बात समझ में? कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ।